मेरठ की बात करते हैं, जहां हर्ष फायरिंग में 8 साल की बच्ची की आंख में गोली लग गई। बताया जा रहा है कि यह बच्ची घुड़चढ़ी के दौरान कुछ बच्चों के साथ बारात देखने के लिए गई थी। तभी अचानक बारात में घुड़चढ़ी के दौरान यह हर्ष फायरिंग की गई, जिससे एक गोली बच्ची की आंख में जा लगी। ये जी जाटों की बारात जा रही थी जी, रानू के लड़के की जी, चंग सिंह के पोते की, और वे गोली छोड़ रहे थे जी। बाहर आकर उन्होंने गोली छोड़ दी तो हमारी बच्ची का लग गई, और ये लड़की उठाई भी नहीं उन्होंने, और वो गोली मार के अंदर पड़ गई। तो जो हथियार चला रहे थे, धुनाली थी, हाथ में तमंचे थे क्या? ये नहीं पता जी, हम नहीं थे वहाँ। जो औरतें खड़ी थी उन्हें पता जी, वे बता नहीं पाई इतनी जल्दी में, क्योंकि हम बच्ची के थाने के चक्कर में रह गए, हमें बता नहीं पाए वे। तो बच्ची को यहाँ तक कैसे? बच्ची को हम लाए जी, उसका बाप लाया जी, जिसकी बारात जा रही है जी, उसको हम उसकी गाड़ी के आगे लौटे, जब वो गाड़ी को हमने काट दी जी। तुम्हारा क्या नाम है? मेरा सोनू नाम है जी। बच्ची कितने साल की बच्ची है? क्या नाम? 5 साल की जी, रिया नाम है जी। क्या? रिया। कहाँ के है? कलंजरी जी। ये कलंजरी गांव का मामला है। ये रिया नाम की 5 वर्ष की बच्ची थी, और ये वहाँ खेल रही थी, बारात चल रही थी वहाँ पर, उसी में किसी ने हर्ष फायरिंग की और इसको फायर आर्म इंजरी हुई है आँखों में। यहाँ पर आईसीयू में इसका इलाज चल रहा है, कंडीशन स्टेबल है, और उसके संबंध में जो आवश्यक कार्रवाई की जा रही है, एफ आई आर लिखी जा रही है। ये चरण सिंह नाम के व्यक्ति हैं, और उनके बेटे की बारात चढ़ा रही थी, और ये सोनू नाम के व्यक्ति हैं, उनकी बेटी थी। कुछ जानकारी है कि वो लाइसेंस या क्या था? अभी मौके पर पुलिस फोर्स है और जांच कर रही है इस संबंध में। कुछ लोग, कुछ पूछताछ के लिए कोई हिरासत में? हाँ, 2-3 लोगों से पूछताछ की जा रही है।